तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी हो। जब देखो अर्चना मानव की तरफदारी करती रहती हो। धर्मेश, क्योंकि आज की तारीख में वो सही है, अब भी वक्त है, सुधर जाइए। धर्मेश, कल जन्माष्टमी है, कल का दिन बहुत अच्छा है, आप ही मेरे साथ चलिए। मानव जी का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। एक नई शुरुआत कीजिए अपने रिश्ते की। वो जिस तरह हम सबको अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, आपको भी कर लेंगे। बस आपको अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी हो गई? हाँ, आई हो गई। और हमारा मानव? आई मानव वो कृष्ण को तैयार कर रहे। कौन की स्नेहा? मतलब ये है कि आज हमारा सोहम कृष्ण बनने वाला। हाँ, मजा आएगा सोहम हमारा कृष्ण बनने का। सोहम तैयार हो गया। ये देखो ताई, कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। चल चल। अरे सुनो 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 भाई और बहनों सुनो, हर साल की तरह इस साल भी हमारी हंडी ऊपर बांधी है। हर साल मेरा बेटा मानव ये हंडी तोड़ता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस साल दूसरा कोई आके मेरे बेटे मानव का मुकाबला करे, ताकि कंपटीशन हो जाएगा और जो ये हिम्मत दिखाएगा और हंडी तोड़ेगा उसको मेरी तरफ से 10,000 मिलेंगे। मानव से कौन पंगा लेगा? सही बोल रहे हो यार, मानव से पंगा लेने का मतलब है कि अपने मुंह के बल गिर जाना। अरे यार, इतने सारे लोगों के बीच इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। सही बात भाई। अरे इतने लोगों में कोई भी नहीं, कोई तो आके हाँ बोलो। हार जीत बाद में देखी जाएगी, सिर्फ हाँ या ना बोलो, वो हिम्मत दिखाओ। मैं फोड़ूंगा ये हांडी। सविता, ये हांडी मैं फोड़ूंगा। चलो, कोई तो मिल गया मुकाबला करने वाला। तुम्हें लगता कि जब से तुम्हारी आई इस घर में आई है, तब से तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? कोशिश कर रही हूँ? मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ मान। ओह अच्छा, इंसल्ट। लगता है मुझे शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत? हाँ। किससे? तुम्हारी आई से। क्यों? मैं उनसे ये कहूंगा कि क्योंकि आपकी अर्चना मुझे इग्नोर कर रही है, इसलिए मैं एक नई अर्चना ढूंढूंगा जो मुझे इग्नोर नहीं करेगी बल्कि प्यार करेगी। How do you like it? आपको मेरी शिकायत करनी तो जाइए, मेरी शिकायत कर दीजिए। आगे क्यों आ रही हो? आगे क्यों आ रही? मतलब कर दीजिए शिकायत। क्या 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 कर रही हो अर्चना? क्या हुआ मानव, डर गए? अच्छा प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, कोई देख ले। भगवान के लिए? क्या मानव, छोड़िए ना। अच्छा वो मटकी कोई और फोड़ देगा सर। मानव जाइए ना, मेरी कंप्लेन कीजिए। मटकी कोई और फोड़। मानो अपनी शक्ल देखी कैसी लग रही। आपको दूसरी अर्चना चाहिए थी ना? अभी तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप एकदम बंदर लग रहे हैं, बंदर। अब जाके अपनी शक्ल आईने में देखो, कम से कम इस बंदर को ये बंदरिया तो देखेगी।